कल्पना चावला के मर्सी हाउस में उनके परिजन पहुंचे हुए हैं और बता दें बड़ी ही दुख की बात है कि राजेश बताया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। हालांकि कारण जो है फिलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है राजेश ने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर फिलहाल बहुत ही दुख की बात है क्योंकि राजेश का एक बहुत ही छोटा बेटा भी था और दूर परिवार से यहाँ रहकर जो है मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से अपना परिवार जो है ये पाल रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से इनके सभी परिजन आप देख सकते हैं। बता दें कुल ये चार भाई हैं जिनमें राजेश जो है वो सबसे छोटा है और यहाँ पर जो उनका साला है वो भी फिलहाल यहीं मौजूद है। ये सभी मिलकर यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए इतनी दूर से आप समझ सकते हैं बिहार से कितने सारे मजदूर जो हैं वो चलकर आते हैं। और यहाँ पर फिलहाल इसकी मौत की खबर जब पता चलती है तो परिजनों को झटका लगता है। हालांकि उनके जो भाई हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका और ये कैसे ये पूरा ये हुआ? मेरा नाम मुकेश है जी। तो ये कल 10 बजे 10:30 बजे मेरे को पता लगा जी इसने सल्फास की गोली खा ली जी। ये अच्छा। हाँ जी, ये करीब में 2 साल हो गया जी इससे। हम कभी नहर में कूदने जाता था, कभी हाथ काट लेता था, कभी कुछ करता था। बहुत बार बचा के लाए, कल घर में कोई था नहीं, इसने सल्फास की गोलियां खा ली जी। अब इतना अस्पताल लाए, 2 बजे तक में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने मृत्यु कितने बजे के आसपास सल्फास की गोली खाई है? 10:30 बजे का। हाँ जी, 10:30। कहाँ पर मौजूद था उस समय ये? उस टाइम अपने घर में ही था मौजूद। घर में ही? कहाँ पर रहते हैं यहाँ पे? यहाँ मैं फूसगढ़ उत्तम नगर कॉलोनी में रहता हूँ जी, 9 नंबर गली में। तो आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं कि घर में? एक ही घर में रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। सब इकट्ठे रहते हैं। हाँ जी, 2 साल से इसको टेंशन सी थी, पर कहते रहे कुछ समझ से नहीं। किस चीज़ की टेंशन थी इसको? बस कुछ नहीं पता जी, घर में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी, फिर भी ये टेंशन में रहता था जी। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए? हॉस्पिटल लेकर आए थे, कल्पना चावला में ही उसकी डेथ हुई थी। यहाँ अस्पताल में ही उनकी मौत हुई? हाँ जी, अस्पताल में हुई है जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी बच्चा है एक छोटा, सबसे तो बड़ा बच्ची की दिक्कत है जी। बच्चा है एक छोटा, उसकी वाइफ है, एक उनके साला जी हैं, और वैसे सारे परिवार इकट्ठे ही रहते हैं हम एक ही मकान में, कोई दिक्कत नहीं थी जी। 26 साल है? हाँ 26 साल। कितने साल पहले शादी को हो गए? 4 साल हो गए शादी को। पत्नी और बच्चे भी इधर ही रहते हैं? सब इकट्ठे रहते हैं, कोई लोग इकट्ठे हैं। घर वाली से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। घर वाली से भी कहते भी लड़ाई झगड़ा, हम साथ में रहते, हमने आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा उसका। बस इसी का टेंशन था, मतलब स्ट्रेस में रहता था, टेंशनों में रहता था। टेंशनों में रहता था जी, और कोई दिक्कत नहीं थी। इसको आपको बता दें उनके और भी यहाँ पर जो है परिजन है उनसे बात करते हैं। आप भी भाई हैं उनके? हम दोस्त हैं उनके। आप दोस्त हैं? हाँ। आपको कब पता लगा था? हमारे को भी इतना ही 2:30 बजे पता चला जो उनका। हाँ। तो आपसे कभी उन्होंने कोई बात करी, आप दोस्तों की, भाई कोई परेशान आपने देखा हो, बता रहे हैं डिस्टर्ब रहते थे? नहीं जी, कभी ऐसा बात चर्चा चला ही नहीं उसने जी का। अच्छा। हाँ जी। तो आप दिहाड़ी पर जाते थे या काम पे आ जाते थे? हाँ। कभी कोई मन की बात नहीं करी? नहीं, कभी नहीं जी, कभी नहीं करी। दोस्तों बता रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनके जो भाई हैं, बता दें ये कुल 4 भाई हैं और देख सकते हैं उनका साला भी यहाँ पर है। आप साले हो उनके? तो ये आपके साथ कभी बात की होगी, क्या उनको क्या डिस्टरबेंस थी, क्यों क्या परेशानी? नहीं बताता था, कोई परेशानी तो था ही नहीं। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि वो पहले उनके पिता गुजर गए थे, उसके बाद से भी काफ़ी परेशान, उसके बाद से तो हमेशा वो दिक्कत ही परेशानी रहता था। कभी पिता को गुजरे कितना समय हो गया उनके? लमसम 1.5 साल से ऊपर हो गए। तो उसके बाद क्या नहीं उन्होंने कभी मन की बात की, क्या पिता के गुजरने से परेशान थे या कोई और बात, या कोई पैसों का लेन देन तो नहीं था किसी? नहीं, के साथ पैसे का लेन देन तो था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई किसी से कोई धमकी वगैरह? धमकी वमकी तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं? नहीं नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करके जो है अपना पेट जो है पाल रहा है और करनाल के ही जिस तरीके से उत्तम कॉलोनी में ये रहता है और फिलहाल कोई कारण जो है पता नहीं लग पाया है। हालांकि बता रहे हैं सल्फास की गोली खा ली। सल्फास की गोली आप समझ सकते हैं बहुत ही खतरनाक होती है और इस तरीके से जब ये मौत का जो कारण जो सामने आया है अभी वो फिलहाल अभी कुछ भी जो है साफ नहीं है। और यहाँ पर फिलहाल ये ज़रूर कहना चाहेंगे सभी लोगों से, क्योंकि लोगों के मन में क्या बात होती है कभी पता नहीं होता है, फिर भी लोग जो हैं वो इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में लोगों से बात करें अगर आपके मन में कोई परेशानी है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए जो शव है वो इस समय कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में लाया गया है। अभी यहीं पर जो शव लाया गया है अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है सारी चीज़ें साफ होंगी। हालांकि सल्फास की गोली खाई है ये फिलहाल उन्होंने बताया है। अस्पताल में कल्पना चावला लाए गए और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा। अभी फिलहाल जो हमने आपको तस्वीर दिखाई वो राजेश की थी। सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही बच्चा है और परिवार छोटा बच्चा है और जिम्मेदारी परिवार की उनके ऊपर थी। वो दिहाड़ी करते थे, सभी भाई एक साथ जो है वो एक ही घर में रहते थे। तो
फिलहाल बहुत ही दुख की बात है। हालांकि इतना ज़रूर हम अपील करना चाहेंगे लोगों से कि आपके मन में कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप अपनों से ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का जो है निर्णय लेना, अपनी जान को जो है इस तरीके से जो है ले लेना, ये कहीं ना कहीं आपको ही ख़त्म नहीं करता, आपके परिवार को भी ख़त्म कर देता है। तो फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है पोस्टमार्टम होगा, फिलहाल जो शव है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा, और कोई कारण जो है अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं वो फ़िलहाल ज़रूर कहीं ना कहीं अभी ये सवाल ही खड़ा रह गया। अभी फ़िलहाल जो परिजन है वो फ़िलहाल देख सकते हैं कल्पना चावला के मर्ची हाउस में यहीं पर जो शव है वो लाया गया है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।